नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ आलम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डिजिटल भारत में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपने क्षेत्र या अपने गांव के जो पात्र हैं उनका नाम कैसे देख सकते हैं। मतलब हम ये कैसे जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे गाँव के कितने नाम हैं, कितने को आवास आवंटित हुआ है या कितनों का अभी आवास नहीं मिला है, कितनों के पैसे आ गए हैं या नहीं, जान सकते हैं हम सब बातें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल डिजिटल भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक के पास। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों, चलो हम चलते हैं आज के टॉपिक, और इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है। PMAYG यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फुल फॉर्म है इसकी। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर आना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। दोस्तों, इसकी वेबसाइट ये है, ये इसकी वेबसाइट है PMAYG.NIC.IN पर जाना है आपको। यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों, बहुत आसानी प्रोसेस में आपको बताएंगे कि आप अपने गांव के जो प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका सिलेक्शन हो चुका है उनका नाम कैसे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का प्रोसेस आएगा, ए फिजिशियल प्रोसेस रिपोर्ट्स नंबर एक। सेक्शन बी में आएगा फाइनेंशियल प्रोसेस रिपोर्ट, ये भी चेक देना है दोस्तों। इसके बाद सी सोशल प्रोसेस रिपोर्ट, इसको भी छोड़ देना है। डी को छोड़ देना है दोस्तों। हमको ई ऑप्शन पर आना है। CECC रिपोर्ट्स पर आने के बाद हमको चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कैटेगरी वाइज CSECC डाटा वेरिफिकेशन सेमोरी पर यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। हमको यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और आपको फिर यहाँ पर ऑल स्टेट दिए जाएंगे। यहाँ पर ऑल स्टेट में जाकर आप अपने प्रदेश का नाम सेलेक्ट करें, जैसे कि मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, मैं अपने उत्तर प्रदेश का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर उसका ज़िला सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस ज़िले में आप रहते हैं, जिसका आप विवरण जानना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरा ज़िला डिस्ट्रिक्ट संभल है, तो दोस्तों मैं अपना ज़िला संभल सेलेक्ट करता हूँ। अभी ये संभल है। ज़िला सेलेक्ट करने के तुरंत बाद आपसे आपका ब्लॉक पूछा जाएगा, ब्लॉक का ऑप्शन खुल जाएगा। ब्लॉक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ब्लॉक संभल है, तो संभल सेलेक्ट करता हूँ मैं। संभल ब्लॉक सेलेक्ट करने के तुरंत बाद आपका विलेज यानी कि गांव का नाम पूछा जाएगा कि आपका गाँव कौन सा है। गाँव के नामों की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर नीचे सिलेक्ट में। हम अपना गांव चॉइस कर लेंगे, कौन सा गांव है या कौन से गांव के हम जानना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरा गांव हिसामपुर है, तो मैं हिसामपुर को सिलेक्ट कर लेता। इसके बाद दोस्तों, आप अपना गांव सिलेक्ट करें, जैसे मेरा गांव हिसामपुर है, मैंने कर लिया। ये प्रोसेसिंग चल रही है। अभी प्रोसेसिंग चलने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके गांव की सूची आ जाएगी पूरी कि आपको ये आ गया। डिस्ट्रिक्ट संभल है, ब्लॉक संभल है, पंचायत का नाम हिसामपुर है, ये पूरी लिस्ट आ गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी लिस्ट आ गई है दोस्तों। जैसे मोबाइल से दिखा रहा हूँ ना, मैं इतनी दिक्कत कर रहा थोड़ी, इसका इंटरफेस देखो। ये जैसे ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिन जिन को मिली है, मोती है, नेत्रपाल है, शेर सिंह,
इस तरह के ये सब नाम आ रहे हैं जो इस कैंडिडेट हैं इसके, जिनको आवास आवंटित हुआ है। ये इनके मदर्स नेम है, इनके फादर्स का नाम है, ये कैटेगरी है इनकी क्या है, SC है, माइनॉरिटी है। दोस्तों ऐसे आप किसी भी गांव का देख सकते हैं कि किस किस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिला है, कैसे देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।